हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी न्यूज की कोशिशों के बाद आखिरकार प्रशासन की आंखें खुली। सुबह करीब 9 बजे जब एबीपी न्यूज ने गौरव चंदेल की पत्नी प्रीति चंदेल की सीधी बात मेरठ रेंज के एडीजी प्रशांत कुमार से कराई, तब जाकर प्रशासन पर दबाव बना। प्रशांत कुमार को आखिरकार कहना पड़ा कि अधिकारी गौरव चंदेल के परिवार से मिलेंगे। उसके बाद एडीएम मेरठ रेंज आईजी आलोक सिंह और कमिश्नर अनीता मेश्राम ने परिवार के साथ मुलाकात की, जल्द से जल्द जांच पूरी करने का आश्वासन भी दिया। तो ये तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। एबीपी न्यूज ने ये मुहिम चलाई तब जाकर कहीं गौरव चंदेल के परिवार से प्रशासन मिलने के लिए तैयार हुआ। मेरठ जोन के आईजी आलोक सिंह पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। एबीपी न्यूज से बात करते हुए आईजी ने कहा कि इस मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिस वालों पर आज शाम तक सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में पुलिस एसटीएफ की मदद भी ले रही है, कुछ संदिग्धों से पूछताछ भी चल रही है। ग्रेटर नोएडा के गौरव चंदेल की हत्या हुए 4 दिन हो गए, हालांकि अभी तक पुलिस गुनहगारों तक नहीं पहुंच पाई है। आज पीड़ित परिवार से मिलने मेरठ जोन के आईजी आलोक सिंह पहुंचे खुद। सर, आपने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, क्या मांगे हैं उनकी और किस तरीके से बातचीत हुई आप? देखिए, पिछले 1.5 घंटे से मैं परिवार के साथ हूँ। बहुत ही विस्तारपूर्वक पूरा घटनाक्रम और उनका जिस तरह से वो पुलिस के पास गए और पुलिस का जो रिस्पांस था, उस सभी के बारे में उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंशियली सब कुछ बताया है। पुलिस का जो इनिशियल रिस्पांस होना चाहिए था, उसमें जो कमी पाई गई है, उसमें आज शाम तक मैं बहुत ही कठोर कार्रवाई करने जा रहा हूँ। उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हुए जो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी थी, उसमें परिवार को एक गनर मैंने प्रोवाइड किया है। वो गनर यहाँ पर परिवार के साथ रहेगा। गौर सिटी के आसपास जो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी परिवार ने महसूस की और भी लोगों ने जो गौर सिटी में रहते हैं महसूस की, जो उन्होंने कम्युनिकेट की है, उसको रिस्टोर करने के लिए यहाँ पर पुलिस प्रेजेंस बढ़ाने के लिए मैंने एसपी आरए को कहा है कि यहाँ पे 4 पीसीआर वैन्स जो हैं तत्काल ही और बढ़ाई जाएंगी। जो क्रिमिनल्स हैं, जो परपिट्रेटर्स हैं, जिन्होंने ये क्राइम किया है, इसको हम लोगों ने एक चैलेंज के रूप में लिया है और उसमें हमारी टीम्स ऑलरेडी काम कर रही हैं। कुछ सस्पिशियस क्रिमिनल्स हैं जहाँ तक, जिन पे हम लोग नैरो डाउन कर पाए हैं। एसटीएफ को भी इसमें प्रेस किया गया है और इस केस को हम बहुत जल्दी ही वर्कआउट करेंगे। दूसरा, परिवार की जो एक फ्यूचर को लेके इनसिक्योरिटी थी, उसके बारे में कमिश्नर से भी बात हुई है और कमिश्नर मैम ने इसको उनको एश्योर किया है कि इसको गवर्नमेंट तक ले जाकर उनकी जो फ्यूचर की को लेकर जो थोड़ा एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, उसको भी शीघ्र एड्रेस किया जाएगा। एक सवाल सिर्फ और, सर, घटना की रात जो परिवार का कहना है कि उन्हें थानों के चक्कर लगवाए गए, सीमा विवाद में पुलिस उलझी रही, 5 घंटे तक जो मृतक हैं उनका फोन ऑन था लेकिन पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाई, और जो सबसे माफ करिएगा अगर ये शब्द आपको अच्छा ना लगे, शर्मनाक घटना यही है कि उनका शव परिवार को मिला, पुलिस को नहीं मिला। मैंने इसीलिए आपको पहले ही कहा कि जो पुलिस का रिस्पांस एक सिविक सोसाइटी में होना चाहिए था, उसमें जो जो लैप्सेस हैं उन सब की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हुए आज शाम तक उसमें बहुत कठोर कार्रवाई में करने जा रहा हूं और उसको रिस्टोर, सेंस ऑफ सिक्योरिटी को रिस्टोर करने के लिए एसपीआरए को मैं यहीं पे कैंप करने के लिए कह रहा हूं और आसपास की जितना भी एरिया है वहां पर सघन पेट्रोलिंग और उस पूरे सिस्टम को जो पिछले 3-4 दिन से जो आप बता रहे हैं कि वो शिथिल हो गया था, उसको मैं एक्टिवेट करने जा रहा हूं। बहुत शुक्रिया सर। तो मेरठ जोन के आईजी को आपने सुना। एबीपी न्यूज संवाददाता उत्कर्ष ने कमिश्नर अनीता मेश्राम से भी बात की। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद के लिए सरकार से सिफारिश की जाएगी। मेश्राम है कमिश्नर यहाँ की। मैम, प्रशासनिक तौर पर किस तरीके से परिवार की मदद की जानी है? देखिए, मेनली परिवार का जो अब इश्यू है वर्तमान में आर्थिक स्थिति को लेकर है और उनके द्वारा कुछ मांगे रखी गई है, उन सभी मांगों पर हम गवर्नमेंट से भी डिस्कस करेंगे और जो भी यथासंभव होगा, मैक्सिमम पॉसिबल, वो सहानुभूतिपूर्वक इनकी जो मांगे उन सब पे विचार किया जाएगा और पूरी मदद की जाएगी गवर्नमेंट। पीड़ित परिवार की सभी मांगे पूरी की जाएंगी, कठोर कार्रवाई करने का आश्वासन मेरठ जोन के आईजी आलोक सिंह ने दिया है कि घटना की रात जिस तरीके से पुलिस का रिस्पांस रहा, वो एक सिविक सोसाइटी में पुलिस का रिस्पांस नहीं हो सकता और इसको लेकर आज शाम तक
कठोर कार्रवाई करने की बात मेरठ जोन के आईजी आलोक सिंह ने कही है। साथ ही कहा है कि पीड़ित परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक गनर भी मुहैया कराया गया है, और साथ ही साथ चूंकि ये सिर्फ एक गौरव चंदेल की हत्या का मामला नहीं है, यहाँ रहने वाले लाखों लोगों की सुरक्षा का मामला है, इसलिए इस इलाके में पुलिस पीसीआर वैन बढ़ाई गई है, लगातार वो पेट्रोलिंग करेगी। साथ ही साथ यहाँ पर पुलिस की जो सुरक्षा है वो भी बढ़ाई जाने का आश्वासन फिलहाल मेरठ जोन के आईजी आलोक सिंह ने दिया है। मेरे सहयोगी सीके सिंह के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़, नोएडा।